हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। तो जब आपका ताल्लुक किसान घराने से और रहते भी विलेज में हो तो आपको ये काम भी करने पड़ते हैं, चाहे आपके पास डिग्री है, चाहे आपके पास नौकरी है, जो कुछ भी है। क्योंकि एक जैसे होता ना, औरत का गहना होता है जेवर, और जो किसान वगैरह होते हैं या विलेज में रहने वाले होते हैं तो उनके लिए जो फसल या ये गंदम वगैरह होती है या ये चीज़ें होती हैं ज़मीन की देखभाल करना, तो उनके लिए भी कैसे ही सिस्टम होता है ये सब कुछ। तो फिलहाल मैं भी अपनी एक छोटी सी ड्यूटी दे रहा हूँ। ये प्याज की फसल है, साथ में नहीं है, इसको पानी लगाना था आज, सोचा इसको पानी लगाया जाए क्योंकि जो बारिश थी। क्योंकि बारिश के बाद धूप काफ़ी निकल रही है तो ये भी प्याज वगैरह थे इनकी फसल, ये सारी ख़राब हो रही थी और उसके साथ में बारिश भी लग रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी ये चीज़ें। तो हमने सोचा आज इसको पानी देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं धूप भी काफ़ी निकली हुई है, काफ़ी तेज़ धूप है। और साथ हमने जो भिंडी की फसल उगाई थी वो भी, ये पौधा आप जैसे कि देख सकते हैं, ये भिंडी की फसल का पौधा है, माशाल्लाह काफ़ी इसकी ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये 10-15 दिन तक इस पर फल वगैरह आ जाएंगे। तो पहला सारा ये जो काम था खुद में कर रहा था, लेकिन गर्मी के दस में गर्मी की शदत इतनी है, ख्याल खराब है, तो मेरे साथ में इसको भी साथ लाया हूँ, काम कर रहा है खेत में, खाद वगैरह डाल रहा है, वो भी साथ है मेरे। और आज हमारी ये ड्यूटी लगी है, देखते हैं ये कब तक काम ख़त्म होता है। भाई किस साइड से टिप्पा पूरी थी वे थी घर में काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा उसको काम देता हूँ, लेकिन उसको जो खाद वगैरह का तरीका ना डालने का वो सही नहीं आ रहा, वो एक ही जगह पे डाल ही जा रहा है। तो अभी कहा तो है, खैर सीख जाएगा ये काम भी। हाँ जी, अभी जब जहाँ पर बैठा हूँ मैं, ये मकई की फसल है और ये पिछले दिनों जो याला भरी हुई है ना, तो ये सामने पत्तों का हाल आपको दिखाता हूँ। ये पत्ते दरमियान में से पत्ते आर पार हो गया, ये जैसे गोली नहीं लगती किसी चीज़ को वैसे ही हो गया इसका हाल। तो ये मकई का हाल ये हुआ है। तो अभी आज इसको लगाना है पानी, पानी के बाद ये अभी खाद का प्रोसेस है, ये खाद यहाँ पर देनी है। पहले मैं दे रहा था वहाँ पे प्याज की फसल में, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो मेरी तो हो गई बस, तो मैंने अपने साथ जो साथी है इसको कहा, मैंने सोचा के दिया, अभी दे रहे हैं और मैं बैठा हूँ यहाँ पे।
छाँव में बैठा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी धूप निकली हुई है। तो पहले तो मैं रमज़ान का कुछ 15-16 रोज़े जो गुजरे हैं ना, ठीक से गुजरे हैं, लेकिन आज गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है और मेरे आँखों में स्वच्छ ही चलन हो रही है, पसीने की वजह से पसीना है ना वो आँखों में जा रहा है। तो ये भाई साहब दे रहे हैं खाद, और हमारे यहाँ परसों से कितना हुई है, लास्ट टाइम बारिश हुई है और उसके बाद जो मौसम है वो साफ़ हो गया है और यहाँ काफ़ी धूप निकली हुई है। तो ये जो आसपास हमारे गंदम है साथ, तो काफ़ी सारे लोगों ने साथ लगाया हुआ है काटने के लिए, कुछ काट रहे हैं, कुछ इकट्ठी कर रहे हैं, कुछ किसी की वो दवाई भी हो गई है, प्रेशर वगैरह आके वो सारा प्रोसेस हो गया है। तो क्योंकि टाइम मिल रहा है जिनको, मौसम का भी ख़तरनाक सूरत हाल है, जैसे सब सारे डरे हुए हैं मौसम के लिहाज से कि कहीं फिर ना बारिश हो जाए और फिर ना कोई मौसम खराब हो जाए, तो इसलिए जिनको मौका मिलता है वो कटाई करते जा रहे हैं और अपना जो गंदम है या पोता है उसको प्रॉपर पान पेंट। अच्छा कितना हो गया है? सही हैं, गर्मी है, गर्मी है लगी है कौन कह नहीं। हाँ जी, तो पहले जो काम कर रहा था मकई और प्याज वगैरह को पानी लगाने का था, वो काम हो गया खत्म। अब जाना है सिटी, वहाँ पे थोड़ा काम है, वहाँ पे तो ईद के लिए कपड़े वगैरह लेने, क्योंकि ईद अब नज़दीक आ रही है तो कुछ ही दिन रहते हैं, तो इसलिए कपड़े अभी तक लिए नहीं थे वो लेने। साथ ये बच्चा पार्टी भी साथ है, हुसैन मन्ना ये भी साथ जा रहे हैं, ये भी साथ बैठी है अनाया बतूल, तो अभी ये भी साथ जा रहे हैं। आप पता नहीं वहाँ जाके क्या शेयर करते हैं, तंग पे तंग करेंगे साफ जा, तो मिलते हैं आपसे। शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम पहुँचे हैं ये रेस्टोरेंट में, क्योंकि बच्चे साथ थे, उनको कुछ खाना पिलाना था और बच्चे काफ़ी भूखे थे, तो इसलिए हमने सोचा कुछ बच्चों को खिलाते हैं। और ये मन्नत बैठी है, अपनी आइसक्रीम मज़े से खा रही है, क्योंकि मन्नत ने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है, तो इसलिए मन्नत को आइसक्रीम रखी थी। और मन्नत ऐसी घूम बैठी है कि उसको किसी चीज़ का होश नहीं है, आइसक्रीम खाई जा रही है, बस मज़े से अपनी आइसक्रीम खा रही है, साथ देख भी रही है इधर उधर, मुझे मेरे से आइसक्रीम ना मांग ले। और यहाँ पे बैठे हैं हुसैन और अनाया, अनाया रोटी बैठी है, कहती है मुझे अलग आइसक्रीम लेके दें, इसलिए भी रो रही है, जिद भी कर रही है। और ये जी मन्नत, अभी मन्नत ये खाने में बिजी बैठी है, लेकिन मैंने साथ चोरी से वीडियो बना ली। तो ये थी छोटी सी आज की वीडियो, होप तो आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।